राजस्थान के भरतपुर निवासी दो युवकों जुनैद और नासिर के जले हुए शव मिलने के बाद लगातार राजनीति गरमाई हुई है। राजस्थान और हरियाणा पुलिस एक दूसरे के सामने है और इस बीच विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठनों ने एक महापंचायत कॉल किया है पलवल के हथीन गांव में, और यहां पर अब से थोड़ी देर के बाद विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन महापंचायत को संबोधित करेंगे। चूंकि मामला बहुत संवेदनशील है और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो, यहां पर कोई उपद्रव जैसी स्थिति ना हो, उसको देखते हुए सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। हरियाणा पुलिस के जवानों के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो यहां पर तैनात किए गए हैं, और ये बताया जा रहा है कि 10,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस महापंचायत में आज शामिल होंगे। यहाँ पर एक तरह से रणनीति बनाई जाएगी। लगातार विश्व हिंदू परिषद की ये मांग रही है कि इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए और सिर्फ शक के आधार पर जो आरोपी हैं मोनू मनेसर, श्रीकांत पंडित जैसे लोगों के खिलाफ राजस्थान पुलिस ने FIR दर्ज किया है, सिर्फ शक के आधार पर उन पर कार्रवाई ना की जाए। हालांकि इस पूरे मामले में मोनू और श्रीकांत के अलावा रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला के खिलाफ भी IPC की अलग अलग धाराओं में FIR दर्ज किया गया है राजस्थान पुलिस की ओर से। लेकिन VHP और दूसरे हिंदू संगठन बार बार ये बयान दे रहे हैं कि आरोपियों में से एक की गर्भवती पत्नी के साथ मारपीट की गई, गर्भ में पल रहे उसके बच्चे को मार दिया गया, और इन तमाम मामलों को लेकर हरियाणा पुलिस के ऊपर दबाव बनाया गया कि वो राजस्थान पुलिस पर FIR दर्ज करे। हालांकि हरियाणा पुलिस ने उनकी बात मान ली और कल ही राजस्थान पुलिस के करीब 40 जवानों पर FIR दर्ज किया गया है। लेकिन आज की महापंचायत में क्या रणनीति बनेगी और किस तरीके से जो ये पूरा मामला सामने आया था जिसमें दो युवकों को जिंदा जला दिया गया, आखिर उस पर VHP और दूसरे हिंदू संगठनों की और क्या मांगे रह गई है, इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम विषयों पर यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी, और उसी लिहाज से ये महापंचायत का यहाँ पर आयोजन किया गया है। और इस महापंचायत के बाद VHP की ओर से बयान जारी किया जाएगा और राजस्थान पुलिस पर लगातार जो हमलावर रही है VHP, उसका रुख और कितना कड़ा होगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन महापंचायत में पलवल पहुँच चुके हैं। सर, लगभग एक हफ्ता होने जा रहा है, आप लोग लगातार मुखर हैं, अब इस महापंचायत का क्या मतलब है, क्या मैसेज है और क्या रणनीति? पूरे हरियाणा में महापंचायत हो रही है, पूरा हरियाणा संकल्प ले रहा है हम अपने गौ रक्षकों को, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को झूठे आरोप में फंसने नहीं देंगे। और मैं समझता हूं वहां की सरकार का चेहरा काला है, FIR दर्ज हो चुकी है उनकी पुलिस पर, एक अजन्मे बच्चे की हत्या कर दी, ये अब स्वीकार नहीं होगा, CBI से जांच हो, यही सबकी मांग है। हम जांच के विरोध में नहीं है, लेकिन जांच तो हो, कौन करेगा, जिस पर आरोप है वो करेंगे? नहीं, राजस्थान की पुलिस पर कोई विश्वास नहीं। राजस्थान की सरकार कह रही है कि VHP का जो रुख है वो आरोप लगने से पहले ही आरोपी को क्लीन चिट दे रहे, और वो जांच होने से पहले आरोपित कर रहे हैं, अपराधी बना रहे हैं, जिस ढंग से छापे डाल रहे हैं वो तो अपराधी सिद्ध कर रहे हैं ना, उसके घर वालों को उठाकर ले जा रहे हैं, और राजस्थान की पुलिस पर कौन विश्वास करेगा? एक बच्चे को मार दिया है, श्रीकांत की बीबी को, गर्भवती पत्नी को जैसे घसीटा इन्होंने मारकर, उस पर कौन विश्वास करेगा? कल राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जुनैद और नासिर के परिवार के लोगों से मुलाकात की है, न्याय दिलाने की बात मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं और आप दूसरी तरफ की बात कर रहे हैं, तो दोनों में एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई दे। क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री का फर्ज नहीं बनता कि वो श्रीकांत के घर पर आए और जिस बहन के बच्चे की मृत्यु हुई है उसका गर्भाशय फट गया है, वो जीवन भर मां नहीं बन सकेगी, क्या गहलोत ने आकर उससे माफी मांगी है? कौन विश्वास करेगा इन हिंदुओं के हत्यारे के ऊपर? इसी ने कन्हैया की हत्या करवाई है, इसी ने और लोगों सरतन से जुदा गैंग फ्री घूम रहा है, किसी पर आरोप नहीं, किसी पर केस नहीं, गौ रक्षकों पर केस बनाओगे? राजस्थान के जो पुलिस महानिदेशक हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वो कह रहे हैं कि पुलिस जो राजस्थान की गई थी श्रीकांत के घर में, कानून सम्मत कार्रवाई की गई और इसमें कुछ भी गलत नहीं।
महिलाओं पर हाथ डाल रहे हैं। क्या कोई महिला पुलिस थी? सुबह 3 बजे जा रहे हैं, एक गर्भवती महिला को पकड़कर घसीट रहे हैं। यदि यही उनका कानून है, ये वो मानते हैं, तो ना उन पर ना उनके कानून पर किसी को भरोसा नहीं है। ये कल मानेसर में भी देख लिया, आज यहाँ भी देखो। आप लोग सर सीबीआई जांच की मांग करते रहे हैं, और एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगा, कल करीब 30-40 पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुआ है, आगे VHP की क्या रणनीति रहेगी इस मामले को? यार, राजस्थान पुलिस के मुंह पर, सरकार के मुंह पर राजस्थान की जोरदार तमाचा है, उसके बाद उन्हें पीछे हट जाना चाहिए, CBI को सौंपो। DHP का रुख क्या होगा इस मामले को लेकर? देखते हैं, समाज तय करेगा। आज के पंचायत से कोई बड़ा निर्णय होने की उम्मीद है? ये पंचायत तय करेगी। तो ये डॉक्टर सुरेंद्र जैन विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री हैं, इस महापंचायत में शामिल होने के लिए आए हैं, और जो भी रणनीति होगी, जो भी बड़े निर्णय होंगे, वो महापंचायत के फैसले के बाद ही होंगे। लेकिन ये पूरी तरह से साफ है, इस पूरे मामले में VHP पीछे नहीं हट रही है, और लगातार इस मामले पर अपनी जो उनका रुख है वो और कड़ा होता जा रहा है। लोहारू कांड के बाद अब पलवल के हथीन में विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने महापंचायत कॉल किया है, बहुत सारे गोरक्षक हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोगों की मांग थी कि राजस्थान पुलिस के जवानों पर FIR हो, कल FIR दर्ज कर लिया गया है, और क्या मांगे आज की महापंचायत? हमारी मांग की मांग देखिए, जय श्री राम, मैं राम सेना विश्व हिंदू परिषद का, विश्व हिंदू परिषद में प्रखंड अध्यक्ष की मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, राम सेना उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी है, और हम 12 साल से लगभग गोरक्षा, लव जिहाद और धर्म के कार्य कर रहे हैं, और आज जो ये घटना घट रही है, हम इसमें हमारी मांग है जो मुख्य रूप से यही है कि एक राजनीतिक जो षड्यंत्र के तहत हमारे निर्दोष भाइयों को फंसाया जा रहा है, इसको हम बिल्कुल कोई भी संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे भाइयों के खिलाफ जो षड्यंत्र है ये खत्म किया जाए, FIR वापस ली जाए, और CBI जांच की मांग हम कर रहे हैं, कि CBI जांच की मांग इसलिए कि ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आज जो ये घटना घटी है, ये उसी आपसी रंजिश के कारण ये दोनों व्यक्ति उन्हीं के वहाँ पे मेवात के लोगों ने मारे हैं वो, और इसमें हमारे गोरक्षक भाइयों के नाम इन्होंने लिख दिए हैं, इसलिए जो ये हमारे गोरक्षक भाई जो के नाम लिखे गए, ये इसलिए लिखे गए कि ये हमारे टॉप गोरक्षक थे, अगर आज ये फंस जाते हैं तो उन्हें पता है कि कल को दूसरा कोई गोरक्षक गाय रक्षा करने वाले नहीं है, तो इसलिए इन्हें फंसाकर और झूठे आरोप में वो खुल्लाम उनको गो तस्करी का मौका मिले, अवसर मिले, इसलिए उन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र इन्हें फंसा रहे हैं। आज के महापंचायत में क्या रणनीति आप लोग बनाने वाले हैं, क्या फैसला होने वाला है उसके बारे में? आज की रणनीति हमारी यही है कि हमारी प्रशासन से मांग है, राज्य सरकार से डिमांड है कि एक तो जो ये मुकदमा राजस्थान सरकार ये हरियाणा में इसकी जाँच होनी चाहिए, इसे की जाँच हमारे हरियाणा में हो, ये मुकदमा हरियाणा में आए, ठीक है, हम राजस्थान सरकार पे हमें भरोसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि राजस्थान सरकार जो है और राजस्थान प्रशासन है वो एक तरह से आपस में उन पे एक कह रहे हैं कि मुसलमानों का एक प्रेशर है, सारी जाति इकट्ठियों को उन पे प्रेशर डाल रही है, और उन्हें झूठा मुकदमे में इन पे प्रेशर दे के इन्हें फंसाया जा रहा है, तो इसलिए जाहिद खान वहाँ वोट बैंक है उनका, इसलिए तो हम विश्वास नहीं है हमें राजस्थान प्रशासन पे और राजस्थान सरकार, हम चाहते हैं कि हरियाणा सरकार और हरियाणा प्रशासन इसकी जांच करे, और जो भी इसमें मामले में जो भी दोषी सामने आए उसको खुलेआम हम उसके साथ हैं और उसे सजा दी जाए। आप लोगों की मांग अगर नहीं मानी जाती है हरियाणा सरकार की ओर से या राजस्थान सरकार की ओर से, तो आगे आप लोगों का क्या कदम होगा? देखिए जी, पहले तो हिंदू समाज को, समस्त हिंदू समाज को कानून पे और अपने प्रशासन पे पूरा भरोसा है, हमें पूरी उम्मीद है कि निर्दोषों को बिल्कुल नहीं फंसाया जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा जांच में। लेकिन फिर भी यदि निर्दोषों को वोट बैंक की राजनीति के चलते जबरदस्ती फंसाने का काम करेंगे और गौरक्षकों के हौसले को पस्त करने का कार्य करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस महापंचायत में उसी से संबंधित निर्णय लिए जाएंगे, सरकार को चेताया जाएगा कि भाई या तो CBI जांच करे, दूध का दूध पानी का पानी करे, और यदि इस प्रकार नहीं होता है, दबाव के चलते, रंजिश के चलते इस प्रकार की ओछी हरकतें की जाती हैं अदर समाज द्वारा और विधर्मियों द्वारा, तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम सड़क से संसद तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़े उस कानूनी प्रक्रिया को भी अपनाएंगे, सड़क पे रोड जाम करना पड़े या मंत्रियों का घेराव करना पड़े या फिर हमें आगे विधानसभा तक कूच करना पड़े, वो भी हम करेंगे और झुकने वाले नहीं है। अपने निर्दोष भाइयों को किसी भी कीमत में फंसने नहीं देंगे। हाँ, हम ये मांग करते हैं, जांच कीजिए, निष्पक्ष जांच कीजिए, जो दोषी है उसे सजा दीजिए। लेकिन क्यों 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 लगता है आप लोगों को कि निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, और कौन फंसा रहा है? आप ये देखिए, जिन भाइयों को नाम दिया गया है ये चारों दिशाओं से उठाए गए हैं, हमारे लॉकेज हैं वो होटल से गोरक्षा करते हैं,
और अपने रिंकू भाई हैं वो मेवा से करते हैं और मोनू मानेसर से है, क्या ये चारों एक साथ रहते हैं? नहीं, ये अलग अलग कार्रवाई करते हैं, अलग अलग गो तस्करों पर, लेकिन ये मुख्य रूप से इनको टारगेट किया है, उसके तहत इनका नाम दिया गया है। दूसरा, जिस वक्त ये घटना घटी थी उस वक्त के इन चारों भाइयों ने अपनी अपनी लोकेशन बता दी गई है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए, सबकी वीडियो अपनी डाली है, फोटो डाले हैं, उस टाइम का आप टाइम देखिए, समय देखिए, डेट देखिए, लेकिन फिर भी पुलिस उस चीज़ को नहीं देख रही है, बस उनको नाम दे दिए गए हैं, एक प्लानिंग के तहत उस पर कार्रवाई कर रही है। राजस्थान पुलिस पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, राजस्थान पर तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से वो निंदाई कार्य कर रही है, कार्रवाई कर रही है, घर में घुसकर एक आप बताइए एक गर्भवती महिला के ऊपर अत्याचार कर रही है, जिसका पेट में पल रहा बच्चा बचा 9 महीने से, इतनी उन्होंने देखभाल करी और उसके पेट में ही वो बच्चा मर जाता है, तो आप बताइए उस पर कैसे हम भरोसा कर लेंगे? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं महापंचायत अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसकी तैयारियाँ यहाँ पर जोरों पर है और ये तमाम कार्यकर्ता हैं हिंदू संगठनों के, और सीधे तौर पर इनकी ये डिमांड है कि महापंचायत में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि राजस्थान पुलिस की जो भूमिका है वो भूमिका ठीक नहीं है और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और जो भी जिन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए हैं, जिन आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए राजस्थान पुलिस हरियाणा में घूम रही है, इन तमाम मामलों को हरियाणा में ही इसकी जांच हो और जो दूध का दूध है पानी का पानी है, यानी इस पूरे मामले की जो सच्चाई है वो सामने आए। और इसी मांग को लेकर यहाँ पर जो आप देख सकते हैं महापंचायत का आयोजन किया गया है, थोड़ी देर में विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन और जो दूसरे पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर आएंगे और आज महापंचायत में इस पूरे मामले को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, किस तरीके का निर्णय लिया जाएगा वो तमाम बातें यहाँ पर सामने आएंगी, एक तरह से खुलासा होगा कि इस पूरे घटना के बाद VHP और दूसरे हिंदू संगठनों की जो भूमिका है वो क्या होने वाली है और उस पूरे मामले का जो लॉजिकल कंक्लूजन है वो कहाँ पर जाएगा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर, इन तमाम बातों को लेकर एक महापंचायत का आयोजन यहाँ पलवल के हथीन गांव में अब से थोड़ी देर में शुरू होगा और उसके बाद ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि जो घटना हुई है जिसमें दो युवक जिंदा जल गए या जला दिए गए, आखिर उसके बाद कानूनी तौर पर किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और इस मामले को धार्मिक सांप्रदायिक रंग देने का जो प्रयास किया जा रहा है उसका क्या होगा। कैमरामैन चेतन के साथ रजनीश रंजन, TV9।